तभी यहाँ पर सुगेत्सु कहता है ये सभी तो होकागे है विलेज ली विलेज के, और तभी यहाँ पर वो सभी एक दूसरे को देखते हैं और हाशिरामा टोबीरामा को कहते हैं कि हम सब जिंदा हो गए हैं एक और एक बार। और यहाँ पर सारुटोबी सेंसे एक और एक बार आसपास देखते हैं और वो यहाँ पर ओरोचिमारू की तरफ देखते हैं जहाँ वो कहते हैं ये सब ओरोचिमारू ने ही किया होगा, मुझे पक्का यकीन है कि ये ओरोचिमारू का काम है। और तभी यहाँ पर फोतोकागी कहते हैं कि वाह ओरोचिमारू तुमने आखिर ये कर ही दिया, इतना सब पढ़ाई करने के बाद इतना सब करने के बाद आखिर तुमने रीएनिमेशन जुत्सु सीख लिया। और ओरोचिमारू उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। टोबीरामा कहते हैं ये जुत्सु मेरा ही है, ये जुत्सु मैंने निकाला था पर मैंने इसे पूरा नहीं किया था। और तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, और यहाँ पर वो मिनाटो को कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर मिनाटो सेंसेई घूमकर अपनी पीठ दिखा के कहते हैं कि मैं फोतोकागे हूँ, और यहाँ पर हाशिरामा सेंसेई खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फोतोकागे इसका मतलब विलेज और बड़ा होते जा रहा है, और विलेज बड़ा हो गया है इसका मतलब लोग और होकागे बनते जा रहे हैं, आखिर पांचवा होकागे कौन है, तुम फोत हो तो तुम्हें तो कुछ पता ही होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि सारुटोबी सेंसेई कहते हैं कि फिफ्थ होकागे ज़ुनाडे होगी। जहाँ पर ये सुन के हाशिरामा सेंजो अपना मुंह नीचे कर देते हैं और वो कहते हैं मेरी पोती ज़ुनाडे, और वो कहते हैं अच्छा है ठीक है विलेज फिर भी ठीक होगा, मुझे तो लग रहा है कि विलेज का पूरा हाल बेकार हो गया होगा और वो पूरा अपना जुआ लगा रही यानी गैम्बलिंग कर रही होगी बैठ के विलेज के पैसों से, पर ठीक है वो होकागे बन चुकी है अभी। और तभी यहाँ पर जो सुगेत्सु रहते हैं वो यहाँ पर इन लोगों को देख रहा होता है और सुगेत्सु कहते हैं कि आखिर ये होकागे है, मैं तो मानता ही नहीं कि ये लेजेंडरी होकागे है ली विलेज के, क्योंकि यहाँ पर हाशिरामा सेंजो एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर टोबीरामा उन लोगों की तरफ देख के कहते हैं कि आखिर एक और एक बार हमें रीएनिमेट करा गया है तो इसका मतलब ये कोई और एक बुरे काम के लिए होगा जैसे हमें पहले रीएनिमेट करा गया था। और तभी यहाँ पर ओरोचिमारू कहता है कि इस बार कोई वॉर या कोई लड़ाई के लिए मैंने तुम्हें रीएनिमेट नहीं किया हो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तो पहले से ही विलेज वाले लोगों की बाहर वॉर चल रही है। ये सुनकर हाशिरामा और बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं क्या बाहर वॉर चल रही है। जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है कि हाँ वहाँ मादरा आया है और मादरा किस तरीके से ज़िंदा हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर ये सुनकर हाशिरामा भी बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये मादरा आखिर ये ज़िंदा कैसे हो गया जबकि ये तो मर चुका था। और तभी यहाँ पर टोबीरामा कहते हैं कि ये बेवकूफ़ उछिया ये सभी ऐसे ही रहते हैं। हाशिरामा कहते हैं कि तुम ऐसे मत बोलो उछिया के बारे में, सब ऐसे नहीं रहते। और ओरोचिमारू कहता है मैंने तुम्हें इस बार रीएनिमेट इसलिए किया हूँ ताकि कुछ तुम सवाल जवाब दे सको, मैंने इस बच्चे यानी सास्के उछिया के कहने पर ही तुम लोगों को रीएनिमेट किया हो क्योंकि ये तुमसे कुछ पूछना चाहता है। और यहाँ पर सास्के कहता है मैं हूँ सास्के उछिया और मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर टोबीरामा कहते हैं कि एक और एक बेवकूफ़ उछिया जो इसी तरीके से होगा सभी उछिया की तरह। जहाँ पर हाशिरामा कहते हैं कि टोबीरामा तुम ज़रा आहिस्ते से बोलो और ज़रा संभल के बोलो, सभी उछिया एक साथ नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। जहाँ पर टोबीरामा और हाशिरामा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जो सुगेत्सु रहते हैं वो उन लोगों को देख रहा होता है। और यहाँ पर सास्के कहता है मैंने तुम लोगों को इसलिए रीएनिमेट किया हूँ ताकि मैं तुमसे पूछ सकूँ कि आखिर एक विलेज क्या होता है और आखिर एक शिनोबी क्या होता है। जहाँ पर सारुटोबी सेंसेई कहते हैं इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है कि आखिर इताची ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, उसने जो भी किया वो डोंजो की बात में आकर किया होगा विलेज के, इसमें जो भी किया वो डोंजो की बात में आया, उसके बाद भी इताची अकात्सुकी इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो विलेज को बचा ही सके और वो इताची अकात्सुकी को दूर रख सके विलेज से, इसलिए उसने अकात्सुकी ज्वाइन किया था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के इताची के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर सारुटोबी सेंसेई कहते हैं इताची बचपन से एक ऐसा निंजा था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वो बहुत ही ज़्यादा उसके सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े थे ताकि वो हमेशा विलेज को बचा सके, और वो बचपन से इसी तरीके के बारे में विलेज के लिए सोचता था और वो हमेशा ही विलेज के बारे में अच्छा ही सोचता था और उसके लिए वो हमेशा लड़ाई करने पहले आता था। जहाँ पर सास्के थर्ड होकागे की बात सुनकर अपनी मुंडी को नीचे कर देता है और इताची की बात सुनकर वो अपने मुंडी नीचे रख देता है। तभी यहाँ पर ओरोचिमारू कहते हैं कि बताओ और बताओ कि उछिया क्लैन किस तरीके का है। और तभी यहाँ पर जो टोबीरामा रहते हैं वो कहते हैं कि उछिया क्लैन बहुत ही ज़्यादा बकवास क्लैन है, वो हमेशा से ही ली विलेज को तबाह करने का सोचता था, वो ऐसा सोचता था कि वो ली विलेज को तबाह कर देगा और वो हमेशा चांस में ही बैठा रहता था ताकि वो ली विलेज से लड़ सके, वो सबसे घटिया
मिर्जा क्लैन में से एक है और वो सभी लोग पागल है एक तरीके के। और तभी यहाँ पर हाशिरामा कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे के सामने इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए टोबी रामा, तुम आखिर किस तरीके की बातें कर रहे हो। और तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है वो यहाँ पर गुस्से में टोबी रामा को देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे बताओ आखिर, और बताओ उचिया क्लैन के बारे में कि आखिर उचिया क्लैन क्या है। तभी यहाँ पर टोबी रामा कहता है कि उचिया क्लैन एक तरीके का पागल क्लैन है जो पागलपने के लिए ज़्यादा माने जाता है। तुम्हें तो पता ही है उचिया क्लैन और सारुटोबी क्लैन यानी सेंजू क्लैन, इन दोनों क्लैनों के बीच में लड़ाई पहले से ही होते आ रही है। और तभी सास्के कहते हैं मुझे इन सभी के बारे में पता है, तुम उसके आगे का बताओ। तभी यहाँ पर टोबी रामा कहते हैं कि जो सेंजू क्लैन है, सेंजू क्लैन का हमेशा माना जाता था कि सेंजू क्लैन बहुत ही पीस अच्छा और प्यारफुल वाला क्लैन है। उचिया क्लैन भी माना जाता था कि वो पीसफुल प्यार और शांति वाला क्लैन, पीसफुल और प्यार वाला क्लैन है, पर उनका प्यार शैतान के प्यार बराबर जितना है। क्योंकि अगर वो उचिया क्लैन किसी से प्यार कर ले या किसी से उसका अट्रैक्शन हो जाए और या फिर वो इंसान उसे धोखा दे दे या इंसान वो उसे छोड़ दे, उसके बाद वो उचिया क्लैन का जो मेम्बर रहेगा उसके सर में दर्द होगा, वो एकदम गुस्से में रहेगा और उसका जो सर, उसका जो ब्रेन रहेगा वो एक तरीके का अलग तरीके का चाकरा रिलीज करेगा, जो चाकरा जाकर उसकी आँख पे इफेक्ट करेगा यानी उसकी शेरिंगन पे, जो होगी उसकी मांगा की शेरिंगन जो चेंज होगी, और इसलिए उचिया क्लैन सबसे बेकार क्लैन माना जाता है। और तभी यहाँ पर टोबी रामा अपना बात बताते हैं कि माधुरा भी उसमें से ही एक पागल आता है यानी पागल उचिया में से एक आता है। और तभी यहाँ पर जो माधुरा के बारे में वो लोग बता रहे होते हैं कि माधुरा बहुत ही ज़्यादा इविल है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी है। और तभी यहाँ पर सास्के अचानक से सास्के की जो आंखें रहती है वो अपनी मांगा केल में चले जाती है और उसका पैटर्न देखकर हाशिरामा सेंजू समझ जाते हैं कि ये भी एक थोड़े ही क्रैक मामला है। और तभी यहाँ पर हाशिरामा उसकी आंख देख रहे होते हैं जहाँ पर सास्के हाशिरामा सेंजू को कहता है मैं उचिया क्लैन के बारे में पूरी तरीके से जानना चाहता हूँ, जो जो बात है जितनी भी बात वो सभी बात जानना चाहता हूँ कि आखिर ये वॉर किस तरीके से चालू हुई थी सेंजू और हाशिरामा के बीच। तभी यहाँ पर हमें पास का सीन याद आता है जहाँ पर सास्के और ओचिमारू को कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो और मेरे साथ कोऑपरेट क्यों कर रहे हो जबकि तुम तो मेरी बॉडी लेना चाहते थे। जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है काबुटो को देखकर मैं समझ गया, काबुटो मेरी तरह बनना चाहता था पर तुम मेरी तरह नहीं बनना चाहते थे, काबुटो बिल्कुल पागल हो गया था। और तभी यहाँ पर जो टोबी रामा रहते हैं वो कहते हैं कि हमें वॉर में जाना है और हमें वॉर में जाकर लड़ना है। पर तभी सास्के कहता है कि हम पहले यहाँ पर तुम पहले हमें सच्चाई बताओगे। जहाँ पर टोबी रामा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनके आंख से चाकरा रिलीज हो रहे होता है और सेम हाशिरामा भी गुस्से में आ जाते हैं ताकि वो टोबी रामा को रोक सके। ये देखकर सुगेत्सु कहता है तो मैं समझ गया कि आखिर होकागेओं की पावर क्या है। और तभी यहाँ पर हाशिरामा टोबी रामा को रोकते हैं और वो हंस रहे होते हैं और यहाँ पर वो सभी लोग देख कर चौंक जाते हैं कि आखिर ये लोग क्या है, क्योंकि उन लोगों के बदन से इतना चाकरा निकल रहा होता है कि वो पूरी की पूरी ये जो जगह है वो गिरा सकते थे। और हाशिरामा भी शांत हो जाते हैं और ओरोचिमारू उन लोगों को देखता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टोबी रामा कहता है कि ये जो रीएनिमेशन जुत्सु है ये जुत्सु का खोज मैंने ही किया था और मुझे रीएनिमेशन जुत्सु के बारे में पता है। हाशिरामा भी कहते हैं हमें जाने दो, हमें वॉर में लड़ने दो। जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है ये फैसला मैं नहीं ले सकता, मैंने तुम लोगों को रीएनिमेट किया हो पर इसका फैसला सास्के लेगा कि तुम लोग लड़ाई में जाओगे कि नहीं जाओगे। जहाँ पर टोबी रामा कहते हैं कि अगर तुम लोग हम लोगों को जाने से रोक भी नहीं सकते क्योंकि रीएनिमेशन जुत्सु के बारे में हम लोगों को थोड़ा मुझे ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने ही रीएनिमेट किया हूँ और मुझे भी पता है कि क्या होता है रीएनिमेशन जुत्सु। जहाँ पर सारुटोबी सेंसेई भी आकर कहते हैं कि हमें वॉर में जाने दो, हमें अभी अकेले लड़ने दो। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर टोबी रामा जो है वो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग बाहर जाकर वॉर में लड़ पाए, पर उसका बदन अचानक से ही रुक जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और टोबी रामा उसके आगे कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया जुत्सु है और ये श्रापित जुत्सु है। और तभी यहाँ पर हाशिरामा हंस रहे होते हैं। हाशिरामा कहते हैं कि अगर हम यहाँ से बाहर चले गए माधुरा को हराने तो क्या होगा, एक माधुरा वहाँ पर हार जाएगा पर अगर हमने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ नहीं बताया तो यहाँ पर एक और एक माधुरा ग्रो हो जाएगा तो हमें क्या फ़ायदा वहाँ जाकर, तो इससे अच्छा हम यहाँ पर एक माधुरा को उगने से रोके और उसका सब कुछ सच्चाई बताए कि आखिर क्या है और उसके बाद वहाँ पर जाए। और तभी यहाँ पर हाशिरामा सेंजू कहानी बताते हैं तो ये कहानी शुरू होती है जब उन लोगों की लड़ाई होती है फाइनल वैली के पास और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। जहाँ पर
मादरा नाइनटेल फॉक्स को लेके आता है और नाइनटेल फॉक्स से लड़ रहा होता है अपने टेल बीच से। और तभी यहाँ पर हाशिरामा अपने ड्रैगन की मदद से, वुड स्टाइल ड्रैगन की जुत्सु की मदद से उससे लड़ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर हाशिरामा से कहते हैं कि रुक जाओ मादरा, हम दोनों का सपना एक ही था। हम दोनों चाहते थे हम एक विलेज बिल्ड करें जहाँ पर सभी कुछ पीस से रहे, सभी लोग पीस से रहे। तो तुम रुक जाओ, मैं तुमसे रुकने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रहा हूँ। मादरा कहता है कोई दोस्त नहीं, अब हम कोई दोस्त नहीं है, और तुमने नहीं पता कि मेरे अंदर क्या मकसद था। और तभी यहाँ पर जो हाशिरामा सेंजुरे थे वो अपने समरिंग जुत्सु की मदद से बड़ी बड़ी दीवार को समन करते हैं। और तभी यहाँ पर जो मादरा रहते हैं उसकी तलवार जैसे ही वो स्विंग करता है तभी एक गोल सा एक चाकरा निकलता है, जो चाकरा उन दीवार को तोड़ते हुए एक बड़ा सा धमाका करता है। हाशिरामा कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे जान से नहीं मारना चाहता, मैं तुमको लड़ना नहीं चाहता। जहाँ पर मादरा कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं रहा, तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो और कुछ ऐसा नहीं हो, तुम मुझसे लड़ सकते हो। तब यहाँ पर हाशिरामा कहते हैं तो ठीक है, जो मेरे विलेज को तबाह करने के लिए आएगा मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। और वो सेज यार्ड में चले जाते हैं, सेज यार्ड 10,000 Hands of Booth, और यहाँ पर वो सेज यार्ड 10,000 Hands of Booth को समन करते हैं। मादरा कहता है हाशिरामा, और यहाँ पर हाशिरामा सेन जो कहते हैं माधरा